हेलो एवरीवन, द फूड रेसिपी शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ दही भल्ले की रेसिपी। नॉर्मल दही भल्ला तो हम सभी ने खाया हुआ है, लेकिन आज मैं आपको स्टफ्ड दही भल्ले सिखाने वाली हूँ। तो ये रेसिपी बहुत ज़्यादा क्विक होने वाली है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और इतना ज़्यादा सॉफ्ट दही भल्ले बनेंगे ना आपके कि आपको खा के बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले मेक श्योर करिएगा कि आपने किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कर दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो फटाफट से मुझे फॉलो करिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी मीठी वाली दही रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 3 कप दही लिया हुआ है, और ये मैंने ग्राइंडर में ही चीनी को पीस लिया है। तो आपको जितना भी मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी को ऐड कर लें, और इसे आपको बहुत ही अच्छे से फेंटना है। ये देखिए, कम से कम 5 मिनट आप लगाएं और अच्छे से इसे फेंटें ताकि ये और ज़्यादा जो है वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। चलिए, हमारी दही रेडी हो चुकी है। अब हम इसे फ्रिज में डाल देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। अब मैंने यहाँ पे लिया है उड़द की दाल, जिसे मैंने 15 से 16 घंटे के लिए मैंने सोक करने के लिए रखा था। मेक श्योर करें कि आपकी जो दाल है ना वो बहुत ही अच्छे से जो है वो सोक होनी चाहिए। तो हमें इसका दरदरा पेस्ट रेडी करना है। तो कुछ भी हम मिक्स नहीं करेंगे फिलहाल, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसका दरदरा पेस्ट जो है वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना दरदरा है ये। तो चलिए मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ। थोड़ी मेहनत करनी होगी आपको, 5 से 10 मिनट लगाने हैं और इसे बहुत ही अच्छे से फेंटना है। ये प्रोसेस करने से क्या होता है ना कि उड़द की दाल में बहुत ही अच्छे से हवा भर जाती है, जिसकी वजह से जब हम दही भल्ले खाते हैं ना तो वो काफ़ी फ्लफी बनता है और मुंह में जाते ही वो घुल जाता है। तो ये प्रोसेस आपको बहुत ही अच्छे से करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च, स्वादानुसार नमक, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर। तो इन सबको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो बस हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है, और ये स्टफ्ड दही भल्ला है तो डेफिनेटली स्टफिंग के लिए तो हमें कुछ चाहिए ही होगा। तो मैंने यहाँ पे ये बादाम लिए हुए हैं। बादाम की जगह पे आप यहाँ पे काजू भी यूज़ कर सकते हैं और किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस सिंपली आपको इसमें बीच में भर देना है और इसे गर्म तेल में ऐड कर लेना है। ये देखिए, ऐसे ही मैंने सारे जो है वो स्टफ कर लिए हैं बादाम से, और इसे मैंने गर्म गर्म तेल में डाल दिया है। ध्यान रखिए फ्लेम आपको बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आपको इसे तलना है। और दही भल्ले के जो भल्ले होते हैं ना, इसे हमें ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी नहीं करना होता है। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे बिल्कुल भी। तो ये देखिए, मैंने इसे दोनों तरफ से पका लिया है अच्छे से, और ये येलो येलो कलर सा हो चुका है। तो बस इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम, और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए,
ये देखिए सारे निकाल लिए हैं मैंने। ऐसे ही हम सारे भल्ले रेडी कर लेंगे। तो चलिए भल्ले तो बन करके रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्लेटिंग के लिए पहले हम भल्ले को पानी में ऐड करेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल पानी ही लिया है क्योंकि भल्ले ऑलरेडी हल्के हल्के गर्म है। अब इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना उसे अच्छे से निचोड़ करके आप निकाल लें। और ये प्लेट में मैंने रख लिया है। अब इसको अच्छे से एकदम ठंडी दही से कोटिंग कर लेना है। ये देखिए खूब सारा दही ऐड करना है। इसके बाद तीखी वाली ग्रीन चटनी, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। और ये है इमली की चटनी, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ चेकआउट करिएगा आप। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, और एंड में हम इस पे चॉप्ड किया हुआ अदरक डालेंगे। अदरक के स्लाइसेस इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमने प्लेटिंग कर ली है, तो चलिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने एक बाइट कट किया है, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, आप भी जरूर ट्राई करिए इस रेसिपी को। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और इसके अलावा फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।